नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज, खबर चंदौली से। कस्बा क्षेत्र के सकलडीहा ग्राम निवासी सेचन सिंह यादव लोकतंत्र सेनानी एवं समाज सेवी का 70 वर्ष की आयु में तबियत खराब होने के कारण आकस्मिक मौत हो गई, जिस कारण सकलडीहा ग्राम सभा में शोक की लहर दौड़ पड़ी। सकलडीहा ग्राम वासियों का कहना है कि हमारे गांव की धरती पुत्र लोकतंत्र सेनानी एवं समाज सेवी हमारे हर सुख दुख का साथ निभाने वाला इस दुनिया से विदा हो गया। सेचन सिंह यादव किसी भी क्षेत्र व ब्लॉक जिला से आए हुए लोगों को, किसी भी अधिकारी एवं सामाजिक दृष्टि से ग्रसित लोगों को अपनी ईमानदारी और अपनी निष्ठा पूर्वक हमेशा उनको सहयोग देने में तत्पर रहे। उनके अंतिम दर्शन यात्रा शामिल होने के लिए सकलडीहा के थाना प्रभारी एवं क्षेत्र अधिकारी के साथ साथ राजनीतिक दल के लोग भी शामिल हुए, जिसमें उनके शव यात्रा में पूर्व सांसद रामकिशुन यादव, विधायक प्रभु नारायण यादव, कांग्रेस कमेटी सकलडीहा विधानसभा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह मुन्ना के साथ शिक्षित समाज से लेकर हर वर्ग के लोग हजारों की संख्या में शामिल हुए। इस मौके पर देवेंद्र प्रताप सिंह मुन्ना, कांग्रेस कमेटी एवं सकलडीहा विधानसभा प्रत्याशी एवं डॉक्टर इम्तियाज अहमद, नंदन राय, अविनाश राय, चंद्रशेखर राय, अरविंद राय, प्रभु राम, घनश्याम राय, राकेश राय इत्यादि हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। अंतिम विदाई जिला प्रशासन व बलुआ थाना के एसओ सकलडीहा थाना के संयुक्त तत्वाधान में गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी गई। चंदौली से ब्यूरो जयसिंह के साथ डॉक्टर उदय राय की रिपोर्ट।